मास्क क्यों नहीं लगाया? मजाक बना के रखा है? आपसे बात कर रहा हूँ मैं सर, क्या चल रहा है? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मैम मास्क लगाइए प्लीज। मास्क? मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका वेट कर रहे हैं आप? टैलेंट का वेट कर रहे हैं, हुनर का। टैलेंट कहाँ है? अरे जब यहाँ पे कोई है नहीं तो आप मास्क लगा सकते ना। मास्क लगाइए प्लीज, आप लोग भी मास्क लगाइए। मैडम ने मास्क नहीं लगाया, आप जाएं मैडम, इनका मास्क लगवाइए आप। सर आप इतने बड़े आदमी हो, आपका मास्क कहाँ है? सारी दुनिया आपको देख रही है। मैम दादा आपका मास्क कहाँ है? आप सभी का मास्क कहाँ है? मेरी टीम कहाँ है? आइए जल्दी आइए, सारा चेक कीजिए। मजाक बना के रखा है यहाँ पे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सारा चेक कीजिए सारा। आप ये कैमरा बंद कीजिए, कैमरा बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। ये आपका क्या चल रहा है पीछे? आप लोग मास्क पहन लीजिए ना, आप लोगों को पता नहीं है इतना कोविड चल रहा है, अपना मास्क लगाइए सारे लोग। कैमरा वैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा, बंद कीजिए, ये बहुत गड़बड़ है। आप शूटिंग क्यों रुकवा रहे हो? हमें शूटिंग करना है। आप लोग भरे पड़े हो यहाँ पे बिना मास्क के। आपका मास्क किधर है? हम माफी मांगते हैं, मास्क पहन लेंगे। किसी ने मास्क नहीं लगाया, मजाक बना के रखा है। अरे कोई प्रोडक्शन से आएगा, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। सर हो गया, पहन लिया पहन लिया पहन लिया पहन लिया। मेरी बाकी टीम क्या है? पूरी टीम आ जाइए। आप आए सारे, खड़े हो जाइए सारे। ये बाकी जो आ रहे हैं कौन है? बगैर मास्क के जो आए हैं। टीम हारमोनी ऑफ द पाइन, हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा, सावधान जंग श्रीमान। आप अगले प्रतिभागी का वेट कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा का ये बैंड आपके सामने अगले प्रतिभागी के रूप में हाजिर है। श्रीमान अरे ये अगले कंटेस्टेंट है, आपने तो डरा दिया था हमें, ऐसे आप धमका रहे थे, हम तो प्रोडक्शन को बुलाने वाले थे कि प्लीज भैया मास्क दे दो, हमें पुलिस आ गई है। क्षमा चाहेंगे आपसे सर, ये छोटा सा एक मजाक था, लेकिन आपको पता है कि पूरा देश एक कोविड में ये बुरे दौर से गुजरा है, और मुझे मालूम है आप तो यहाँ बिल्कुल पूरे प्रिकॉशन में सारा बहुत अच्छा सेट लगा हुआ है, और डॉक्टर्स बैठे हैं, नर्सेस बैठी हैं पीछे, पूरे प्रिकॉशन में काम हो रहा है। कलर्स टीवी हुनरबाज बहुत बहुत डिसिप्लिन वे में काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले हम क्योंकि ड्यूटी पे थे तो हमें लगा कि अब एक थोड़ी सी ड्यूटी निभा लेते हैं, क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा रोल है कोविड के दौरान। नहीं बिल्कुल, तो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। चलो सबका वेलकम है हुनरबाज के मंच पर, अभी अपना हुनर दिखाइए, नहीं तो अभी आपको मास्क पहना के छोड़ूंगा मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी जाएं अगर तो कोई गम नहीं, मर भी जाएं अगर तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है।
थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, सौ में सौ। आज तक का मेरा सबसे फेवरेट एक्ट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब आपने एंट्री ली थी, जिस तरह से आप हमें डांट रहे थे, जो बिल्कुल सही चीज पे आप हमें डांट रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप पहले तो कंटेस्टेंट हैं और ऊपर से आप में से ऐसी आवाजें और ऐसा संगीत निकलेगा। मुझे लगा आप कुछ करेंगे, शायद आप कोई बड़ी सी कोई स्पीच या कोई कविता सुनाएंगे, लेकिन ईच वन ऑफ यू इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। कोई सिंगर है, कोई फ्लूट बजा रहे थे तो यहाँ पर हारमोनी चल रही थी, यहाँ पर हारमोनी बंद हो रही थी तो एक गिटार हो रहा था, गिटार हो रहा था तो आपका ड्रमर गा रहा था। इसको बोलते हैं हिंदुस्तान का हुनर। थैंक यू सो मच। ये है असली हुनर। ये शो में मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम, शायद एक या दो एक्ट्स हैं जिनको ऐसे मार्क्स मिले हैं, और मैं 100 से ज्यादा दे पाती तो मैं वो भी देती सर, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच, लव। हार्मनी ऑफ द पाइन्स, एक तो आपके ग्रुप का नाम वाकई फैंटास्टिक है। थैंक यू सो मच। बिकॉज पाइन से आप आते हो एंड हार्मनी तो कूट कूट के भरा हुआ है। आपने जो गाना चुना है उसमें बहुत सारे वैरायटीज है, इसलिए शायद आपने ये गाना चुना है। आप एक मध्यम लेवल पे आप शुरू होते हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, फिर आप एकदम एक रैंट पे जाते हैं, फिर आप ऊंचे सुर लेते हैं, फिर आपने हार्मनाइज किया। आपने जो भी किया कमाल का किया, तो वाकई थैंक यू। आपने हमारी मंच की शोभा बढ़ा दी है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दिस इज द बेस्ट बैंड आई हैव सीन ऑन हुनर बाज़। बेस्ट बैंड। और मैं चाहता हूँ कि हार्मनी ऑफ द पाइन, आप बस लगे रहिए इस हार्मनी के साथ, एंड आई नो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान आपको भारी मात्रा में वोट्स देंगे और आप वाकई फाइनलिस्ट बन सकते हैं। यस, थैंक यू। सबसे अच्छा जो लगा कि हुनर, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कहीं से और एक स्टेट से पुलिस वाले आके, और मैक्सिमम सब कांस्टेबल हैं, आप उनसे चुने हैं, आप लोगों ने ढूंढा है इसमें ये हुनर है, इसमें ये अच्छा गाता है, ये अच्छा कोरस है, उनको चुन के एक टीम बना के एक हम लोग आपने प्रेजेंट किया। ऐसा आप लोगों ने और कहीं प्रेजेंट करते हो, कहीं पार्टीज वार्टीज में, या अपने उसके अंदर ही रहते हो? सर मैं बता देना चाहता हूँ कि हार्मनी ऑफ द पाइन्स पुलिस ऑर्केस्ट्रा जो हमारा फॉर्म हुआ था 96 में, 1996 में, साथ ही लोग थे उस समय, और इस बैंड को हम रन करते थे तो हमारे पास कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिस रूम नहीं था, और साथ में कोई म्यूजिकल इक्विपमेंट नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, नए नए थे हम, तो हमको बहुत ज्यादा काम भी नहीं आता था, सिर्फ पैशन था। तो शुरुआत इस तरह से हुई, और मुझे ये इस मंच पर कलर के सेट पे और हुनरबाज के सेट पे ये बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइन्स देश का, हिंदुस्तान का पहला ऐसा बैंड है जिसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अप्रूव किया है। और सर इसमें जो हमें अप्रूवल मिली कि भाई हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमारे डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, रिस्पेक्टेड संजय कुंडू जी, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें इनिशिएटिव लिया, बहुत ज्यादा मेहनत करी, हम यहाँ ऑफिशियली जो यहाँ आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये भी उन्हीं का ही आशीर्वाद है और उन्हीं की ही मतलब प्रेरणा से हम यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारे को एनकरेज किया। 100% मार्क मिला है सर, मतलब ऐसे देख के ही लगता कि ये सफर यहाँ खत्म नहीं होगा, ये सफर लंबा है, और एक ही चीज बोल सकता हूँ कि क्या हुनर, क्या हुनर, क्या। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, हम तीनों खड़े हो जाते। अरे आप सबके लिए जय हिंद, थैंक यू। ये बनता है।